नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन, उनकी महंगाई और सरकार के फैसले और रिजर्व बैंक की चिंता। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें कई बातें चौंकाने वाली है, कई बातें थोड़ा चिंता की हैं और कई इंट्रोस्पेक्शन की बातें हैं। असल में सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक फसल वर्ष 2022-23 में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ। 33.05 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो इसके पहले साल के मुकाबले करीब करीब 1.5 करोड़ टन ज़्यादा था। 1.49 करोड़ टन ज़्यादा का उत्पादन हुआ। इसमें चावल का उत्पादन 13.55 करोड़ टन, जो इसके पहले साल के मुकाबले 60.7 लाख टन ज़्यादा था। गेहूं का उत्पादन 11.27 करोड़ टन, जो इसके पहले साल के मुकाबले 50 लाख टन ज़्यादा था। इसका मतलब यह है कि देश में खाद्यान्न के बहुत आयत में उपलब्धता है। इसके बावजूद खाद्यान्नों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो 26 जुलाई तक के आंकड़े हैं, उनके मुताबिक पिछले एक साल में चावल के दाम में खुदरा कीमतें जो चावल की हैं वो 10.89% बढ़ी हैं और इस वक्त औसत कीमत 40.82 रुपये है। इसी तरीके से गेहूं के दाम खुदरा बाज़ार में पिछले एक साल के मुकाबले 5.23% बढ़े हैं और उसकी कीमत 29.59 रुपये प्रति किलो है। आटा का दाम 8.99% बढ़ा है एक साल के अंतर में और इस वक्त जो आंकड़े हैं ताज़ा उनके मुताबिक दाम 34.80 रुपये प्रति किलो है। चीनी के दाम में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है और इसका औसत दाम 43.07 रुपये है। इंटरेस्टिंगली, जो थोक महंगाई दर है खाद्यान्नों की और चीनी की, वो खुदरा महंगाई दर से ज़्यादा बढ़ी है। एक साल के अंदर थोक बाज़ार में चावल के दाम 11.27% बढ़े हैं, गेहूं के दाम 6.32% बढ़े हैं, आटा का दाम 10.46% बढ़ा है और चीनी का दाम 4.09% बढ़ा है। रिकॉर्ड उत्पादन है, उसके बावजूद दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो थोक महंगाई दर है वो अभी ऋणात्मक बनी हुई है, यानी कि पिछले साल जो दाम थे उसके हिसाब से थोक महंगाई दर की जो वृद्धि दर है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में कम थी। हाँ, खुदरा महंगाई दर जरूर 4.81% की वृद्धि उसमें हुई है जून में और ये 3 महीने का ऊंचाई का स्तर है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो आंकड़े हैं, जो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर हैं, वो अलग कहानी बयां करते हैं और बाज़ार में वास्तविकता कुछ और कहानी बताती है। जैसा अभी हमने टमाटर के दामों में देखा, जिसके दाम 200 रुपये प्रति किलो से ऊपर चले गए। दूसरी बात कि जब इतनी ज़्यादा उपलब्धता देश में खाद्यान्नों की है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? और ये दाम बढ़ रहे हैं इसलिए सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं। उनमें एक बड़ा फैसला था कि पिछले साल गेहूं के निर्यात पर जून में प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके कुछ दिनों के बाद ब्रोकन राइस जो होता है, जो चावल है जो निर्यात होता है, उसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई और गैर बासमती वाइट राइस, पारबॉयल्ड राइस को छोड़ दें, उसके ऊपर 20% निर्यात शुल्क लगा दिया था, जिससे कि निर्यात को हतोत्साहित किया जाए। उसके बावजूद पिछले साल भारत ने 223 लाख टन चावल का निर्यात किया। इसमें करीब 177 लाख टन गैर बासमती चावल था। अगर उसमें से हम जो
सेला राइस है उसको निकाल दें तो करीब करीब 16 टन जो है वो गैर बासमती वाइट राइस था। अब एक तरफ ये स्थिति है, हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक पिछले साल रहे, हमारी हिस्सेदारी दुनिया के चावल निर्यात बाजार में 40% रही। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में दाम बढ़ रहे हैं और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जब सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन इस साल हुआ है और जब दाम सरकारी खरीद के सीजन में ही जब मार्केटिंग सीजन होता है उस दौरान ही MSP से ऊपर चले गए, तो सरकार ने देश में गेहूं के स्टॉक के ऊपर लिमिट लागू कर दी जो 31 मार्च 2024 तक रहेगी। दूसरे अभी 20 जुलाई को एक फैसला लिया कि गैर बासमती वाइट राइस जो है उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है, यानी करीब करीब जो 16 लाख टन चावल की जिस श्रेणी का हम निर्यात करते थे उसका अब निर्यात नहीं होगा। हालांकि पहले कुछ महीनों में इस वित्त वर्ष के निर्यात हुआ है और वो पिछले साल से ज़्यादा हुआ है, तो ऐसे में इसका असर दुनिया के बाजार पर भी पड़ा है। वहाँ पर भी चावल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं क्योंकि भारत बड़ा निर्यातक था और उसने उस चावल की कैटेगरी को जो कि करीब करीब 10 मिलियन टन निर्यात होता था देश से उसको बाजार से वापस कर दिया, इसका इम्पैक्ट वहाँ आना ही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि घरेलू बाजार में ऐसी क्यों स्थिति बनी हुई है कि कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ सरकार कहती है रिकॉर्ड उत्पादन है। अब देखिए, हमने पिछले साल करीब 45 लाख टन गेहूं निर्यात किया था, उसके पहले साल 70 लाख टन किया था, इस बार गेहूं निर्यात भी नहीं किया, उसके बावजूद जो सरकारी खरीद है गेहूं की वो 262 लाख टन पर अटक गई जबकि सरकार 341 लाख टन खरीदना चाहती थी। चावल और गेहूं का जो स्टॉक है वो 1 जुलाई को 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है और सरकार ने ये भी कहा है कि हम ओपन मार्केट स्कीम में गेहूं और चावल की बिक्री करेंगे जिससे कि कीमतों में कमी आए। गेहूं के जो बिक्री है उसमें उठाव हो रहा है लेकिन चावल की जो खुले बाजार की बिक्री है उसमें उठाव भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर राजनीतिक पक्ष भी है कि जब कर्नाटक सरकार ने अनभाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल मुफ्त में देने की लाभार्थियों की स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और FCI से चावल मांगा तो उसको इनकार कर दिया गया कि अभी इस तरह का चावल देने की स्थिति में नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास रिकॉर्ड उत्पादन है, हम निर्यात को भी रोक रहे हैं, बाजार में दाम कम क्यों नहीं है? ये एक ऐसा मसला है जो कहीं ना कहीं हमारे जो उत्पादन के आंकड़े हैं उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। हमारे देश में करीब 275 से 80 लाख टन चीनी की खपत होती है जबकि उत्पादन 333 लाख टन है। पिछले साल का भी स्टॉक था लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जो निर्यात का कोटा जारी किया था 61 लाख टन का, उसके बाद उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। हमने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, हमने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, गेहूं के लिए देश में स्टॉक लिमिट लागू की। असल में खाद्यान्न महंगाई एक ऐसा मसला है जिसको लेकर सरकार, राजनीतिक दल और रिजर्व बैंक सब चिंतित रहते हैं। ये भी मैं कहूँ कि रिजर्व बैंक जो है अभी अगले महीने में उसकी मौद्रिक नीति की समीक्षा आएगी और पिछली बार उन्होंने पिछली बैठक में जो ब्याज दरें थे उसमें बढ़ोतरी नहीं की थी, उसको पोज किया था। अब अगला फैसला जो लगातार चिंतित है रिजर्व बैंक खाद्य महंगाई दर को लेकर, अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा क्या अभी रिजर्व बैंक एक बार फिर से पॉज करना अफोर्ड कर पाएगा इसमें ब्याज दर में। और मैं बताऊं कि हाल ही में जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है उसने ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। दुनिया उस फेड रिजर्व की तरफ हमेशा देखती है क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। हमारे देश में जहाँ रिजर्व बैंक को लगता है कि अभी उन्होंने अपनी जो आशंका जाहिर की थी कि महंगाई के मोर्चे पर अभी थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, आंकड़े कुछ कहानी बयां करते हैं। एक और सवाल है कि इस साल मानसून के सामान्य न रहने की आशंका बनी थी अलनिनो के चलते, लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है वो देश भर में जो कुल बारिश है वो औसत से लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जियोग्राफिकल वो असंतुलित है। देश के कई बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश हुई है और वहाँ पर धान जो मुख्य खाद्यान्न फसल है इस खरीफ सीजन की उसकी बुआई पिछड़ी है। हालांकि जो ताज़ा आंकड़े हैं 21 जुलाई के उनके मुताबिक जो धान का क्षेत्रफल है वो 180.20 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया और जो पिछले साल की समान अवधि से
5 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है, लेकिन उत्तरी राज्यों में जो हमारा जो हिल एरियाज है वहाँ पर जो बारिश हुई है उससे जो निचले जो इलाके थे तराई और मैदानी वहाँ पर भारी बाढ़ आई और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये सारी परिस्थितियाँ हैं। दूसरे में खाद्य महंगाई का सबसे बड़ा पहलू राजनीतिक असर होता है और इस साल कई राज्यों में जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि खाद्य महंगाई कोई बड़ा मुद्दा बने। फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं तो इसलिए सरकार भी लगातार इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं कि महंगाई ना बढ़े, रिजर्व बैंक भी निगाह रखे हुए है। लेकिन एक बड़ा सवाल इन सब के बीच में जो तमाम सारे तथ्य हमारे सामने हैं, जो आंकड़े हैं, वो केंद्रीय बिंदु इसका ये बनता है कि क्या हमारे जो उत्पादन के आंकड़े हैं वो वाकई उनके ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है, क्या वो वाकई सही है कि जो आंकड़े सरकार जारी करती है और बाज़ार का जो प्रतिक्रिया उसके ऊपर आ रही है वो कुछ और है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो कृषि मंत्रालय है या नीति आयोग है, तमाम सारी जो एजेंसी हैं, उनको कृषि उत्पादन के आंकड़ों को लेकर के समीक्षा करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या वाकई जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो ज़मीनी हकीकत को बयां करते हैं या जो बाज़ार है वो कुछ और कहानी कहता है, अन्यथा इतने बड़े उत्पादन के बीच में महंगाई का इस तरीके से बढ़ना, खाद्य महंगाई का, एक सामान्य स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें और ज़्यादा सोचना चाहिए और जो महंगाई के आंकड़े हैं उनके संदर्भ में उत्पादन के आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी लेकर के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के अगले एपिसोड में आपके सामने आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, पॉलिसी डिसीजन, अपडेट, विश्लेषण और टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आप उनको फॉलो करें। नमस्कार।